if they permitted to operate the lease, if this entire lush green forest will be destroyed within few years. Towards northern side of Maina village, there is a village of Kavre village. Almost most part of the Kavre village, the mine owners claims that they have a mining lease. So also of Pilla village, all these three villages, revenue villages, are attached to each other. If all the mines started operating, then almost the three village will be destroyed. कोळम गांव आणि आमचा जो ग्रुप आहे तो मायनिंग सगळं अपोज, म्हणजे जे मायन आम करपा जाय ना. आणि जो आम्ही आता जवळजवळ हा पहिली साकून असा, म्हणजे 20 वर्ष पहिली साकून हे मायनिंग एक अपोज करता. आणि एक मायनिंग बी बंद केला. आणि आता पण आपण ती मायन स्टॉप केली इकडे असा, जी फॉमेंतोची मायन. आणि आमचा ग्रुप आहे तो बरा ग्रुप असा. आणि जो पैसे न घेणारा आमची जमीन पिड्ड्या करपा जायना, आमची जमीन अशीच उरपा जाय. आम्ही थांबले आहे पण रिवणचे शांतीलाल के ब्रदर्स ही माईन, मग ती डॅम्पो माईन, मग ती फॉमेंतो माईन, ती दिनार तारकार माईन, अशी तर आणि ही बोरगा माईन. आणि अशी तर हे मायनिंग केलं जाल्यार हे सगळे काबार आहे. नेचर हे एनवायरमेंट म्हणतो काबार सगळो, एनवायरमेंट म्हणतो उरचोच ना. आणि एनवायरमेंट परमिशन दिता कसे? मायनिंग बेल्ट आहे बघ, हे सांगे एरिया आहे. सांगेहून गेला बेल्डा कंप्लीट मायनिंग आहे. ही मायनिंग आहे, पेडण्याला जाऊन शकतो मायनिंग. जे वॉटर बॉडीज आहे ना, हे संबंध वॉटर बॉडीज आहे. हे सह्याद्री रेंज आहे. सह्याद्री रेंजहून हे वॉटर बॉडीज आता. आणि हे तर अरेबियन सीला मग जो हो भाग तर गेला ना कंप्लीट मायनिंगमध्ये, त्याला हे पाणी इथनं पाणी इथं मिळणार नाही. कि जैसे ही चाइना का डिमांड बढ़ने लगा, वैसे जितने भी माइंस जो बंद थे और वो छोड़ दिए गए थे, वो फिर से खोल दिए गए हैं. और जितना भी मिलता है लो ग्रेड 50 और 52, 54, 53, 55, वो कितना भी ग्रेड रहने दो, चाइना को ग्रेड चाहिए. और ये माइन देखो कि यहाँ से शुरू होती है और सीधा पुलगांव सारमानस तक जाकर पहुँचती है. इसकी लंबाई आशिया में सब में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये करीब करीब 13-14 किलोमीटर का फासला पार करती है यहाँ से सीधा बिचोलीम में. यहाँ से दिखाई देता आपको वही नज़ारा, पूरा नीचे खेती है पूरी, ऊपर पूरा रिजेक्शन है, माइनिंग डंप्स है और नीचे बाकी सब कुछ है. और बारिश तो हमारे गोवा में 120 इंच होती है, इतने हेवी शावर्स रहते हैं, इसके वजह से पूरे पानी में पूरा बहकर नीचे आ जाता है, वो सीधा खेतों में बह जाता है. एरिया का डिस्टेंस है जो नॉर्थ और साउथ में 105 किलोमीटर का है, उसके बीच का जो माइनिंग का पट्टा है वो 95 किलोमीटर का है. 95 किलोमीटर का पट्टा इसमें पूरे माइनिंग लीजेस है, वो पूरा प्लेटो रीजन में आ जाता है. प्लेटो रीजन से पूरी नदियां हमारी वेस्टर्न घाट से नीचे आ जाती है प्लेन्स रीजन और समुद्र में जाकर वो पानी अपना अरेबियन सागर में छोड़ देती है. एक बार ये पूरे माइनिंग लीजेस ऑपरेट हो गए तो पूरा प्लेटो ख़त्म हो जाता है. प्लेटो ख़त्म हो जाने के बाद में वहाँ से निकलने वाले 42 ट्रिब्यूटरीज और रिवर जो है पूरे ख़त्म हो जाएंगे. रिजेक्शन आलेले कंप्लीट.
The main crops south are four crops. No, sugarcane, cashews, coconuts, bananas. These are four crops. If one fails, the other one supports us in our work. This is the well from which we draw water. Open well. But month of April now, before it was up to May, April got dried up because the mines see that opposite side mines are there. So mines blocks, I mean, takes water out from this side. Now no more. After maybe 1-2 years, we may not get water also from the in the well. So that will be our problem. No. All our mining activity has to be stopped. We do not want it. That is destroying us. See, all these farms, you know, that has come up over here, it is not individuals' work. It is generations of work together. My grandfather worked, my father worked, I am working, and my son is also working over here. Same thing goes with these people also. So it is the creation of generations. If it is destroyed today, it cannot be done up again. सगळं चित्र आहे रे पणसामळची ते चित्र आधी सगळी DMC दामोदर मंगलजी आणि कंपनीचे मायनी लिजा भितर आसा आणि आता स्टार्ट करपास सोदता जे मायन आसा पळय न्हू ती स्टार्ट करपास सोदता ही मायन व्हडली मायन आसा ती फॉरेस्ट में काम करने को फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए वो भी नहीं लिया है फॉरेस्ट क्लियरेंस सभी पेड़ खत्म किए हैं मट्टी डालकर अटॉर्नी जनरल ने बोला है कि ये बंद करेगा अभी तक बंद नहीं हुआ है असे ते का इथं इन्स्पेक्शन करायला पाहिजे की झाडं आहेत काय एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय एन्व्हायरमेंट म्हणजे झाडं सगळं एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स म्हणजे काय ते क्लिअर करावं लागतं म्हणजे ते फिनिश करावं लागतं काय अर्थ आहे याला एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्सला काही अर्थ नाही जे आता जे पब्लिक हिअरिंग येतात त्याचा काही उपयोग नाही गव्हर्नमेंट चेक पे पोस्ट हा तरी असताना पण कटिंग चालू असा हा कोण जे पण हा फॉरेस्ट हा ते कसं कट करतात आणि ते काही काहीच नाही हाय ग्रेड ओर आहे हाय नूर प्युअर हाय ग्रेड 100 मीटर भितर ब्लास्टिंग करता आणि डायनामाइट जवळजवळ 4-5 टन कॅपॅसिटीचा स्पोर्ट करता आणि जमीन सगळी हालता क्रॅक जाता आणि सांगता मागीर हो भूकंप म्हणून ॲक्च्युली हा भूकंप न्हू हो ब्लास्टिंग हे आमकां फोर्स करता पयशे दिवन विकती घेवपाक पळयताय पूण आमकां पयसो नाका आमची जें कितें आसा तें राखून दवरपाक जाय ही अस्मिता ही परंपरा हो नेचर सर हो सगळें राखून दवरपाक जाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है वो कहती है कि उनके इसी ऑर्डर में एनवायरमेंट क्लियरेंस ऑर्डर में एक स्पेसिफिक कंडीशन रहता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है
कोई भी डंप जो है वो 30 मीटर से ऊपर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए हाइट में, और उसका ग्रेडियंट स्लोप जो है वो 28 डिग्री से ऊपर नहीं रहना चाहिए। अगर गोवा के हर माइन के इसमें आप जाएंगे पूरा वायोलेशन रहता है, इसके बावजूद भी इसका इंस्पेक्शन नहीं किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी इस पर गौर नहीं कर रही है और लगातार वो इसी ऑर्डर देते ही जा रहे हैं। स्पेसिफिक कंडीशन वायोलेशन करते करते अब ढेर इतने सारे ऊंचे पर्वत बन गए हैं कि हरियाली की जगह वो लाल लाल पहाड़ सिर्फ आपको दिखाई देते हैं, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है। असले परमिशन ना, फॉरेस्ट परमिशन ना, मैं एनवायरमेंट क्लियरन्स ना, आणि ती चलता एक कॉन्ट्रेक्टर आमचो मिनिस्टर जोके आलेमा वो काँग्रेस मिनिस्टर जावन तो चलता इनलिगल, कांयच कसलें परमिशन नासतना सगळे फॉरेस्टांनी सगळे काबार करून उडयला। Lots of government has got lots of this thing for them. When they have to operate, they have to operate in a particular fashion. But where, who bothers about it? Who sees that they are operating as per the norms which have been laid to them? No. Today, this environmental clearance is available for a song. You just go to Delhi, make their payments and all, then you come with your environmental clearance over here. We are being made fools over here. जे माइन ओनर आ ते पुलिसे धाडटा आणि आमके अरेस्ट करता, पण ते माइन ओनरान कितले तर हे केले, जे बेकायदेशीर काम केले झाला त्यांना कायच करना, आणि आम्ही जर त्यांना हे करून दाखवले तर आम्ही ते म्हणतात आम्ही नक्सलाइट जातले। First time that this lady, me and my 8-year-old daughter will face men like you for the first time in their life, and we will do it. As I stand over here, 200 trucks of soil every day out. But when you go and beg the chief minister, the chief minister is saying I'm helpless. We have gone to the court. No, he said go to the streets and stand. This is a democratic country. This is why we are standing here. You have to do in a democratic way.
putting a force against us? Have we done anything wrong? Have we done anything harm to anybody? Please tell us why you are using force. We are scared. We are scared of the force. And these police are being fed on our taxes and our money. And the same are using against us. We are sentimental about it. It is so bad on your part. Are you a man? You are treating us like this? What have we done? We are making a point. Our children are suffering. Our people are suffering here. Huh? And you are trying to bring a force and we are scared of this. We will go home. If that is the way you want to have it. हाँ सर हंग लाठीचार्ज झालो आणि काय अरेस्ट करता पण उलो काठर घेऊन दाबा फाटी होय बघ झाले ना पण बहुत पावरफुल है माइनिंग लॉबी जो है ना, बहुत पावरफुल है, क्योंकि गोवा में भी नहीं है, दिल्ली में भी पावरफुल है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में भी ताकतवर है, और मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है बिना कोई जांच पड़ताल किए ग्राउंड लेवल का स्टडी किए एनवायरनमेंट क्लियरेंस देकर छोड़ देते हैं। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट को माइनिंग का खतरे के बारे में कोई सोच नहीं है, वहाँ दिल्ली का सरकार क्यों सोचे भला गोवा के बारे में? गोवा का गवर्नमेंट ही गोवा के बारे में नहीं सोच रहा है, फिर दिल्ली वाले क्यों सोचे? रिबन एरिया, यू नो सर, आई अंडरस्टैंड द वे दिस गवर्नमेंट हैज गिवन लीजेस, 80% ऑफ द एरिया इज बीइंग लीज्ड टू दिस पीपल, ओनली 20% ऑफ द एरिया रिमेन्स. And imagine all these 80% mines are operating at the same time. What is going to happen to this place? This is going to be destroyed. And I am unable to notice these people, they call government people, the chief people, chief minister, this mining minister, this industrial minister, that means all these people. They can't visualize what is happening, what is going to happen to this place. If 80% of the area starts operating, what is going to happen to this? They are not concerned. Why do they want to be the chief minister? They should resign and quit the place. We do not want this thing to be destroyed. हे सगळे मायनीचे पाणी, गोवा में सब में बड़ा खतरा ये है कि पानी 5 सालों के बाद में पीने के लिए नहीं मिलेगा. दूसरी बात यह है कि सलाइन वाटर इंट्रूजन जो है पूरे हिंटरलैंड तक चला जाएगा, जिसके वजह से आपका एनवायरनमेंट, आपका इकोसिस्टम, आपका बायोडायवर्सिटी पूरा ख़त्म हो जाएगा, और इसको फिर से बनाने की तकनीक दुनिया में अभी भी पैदा नहीं हुई है.
कायदो तो कायदो सगळ्यांक फॉलो. आमचं दिगंबर कामत जें कितें करता तें बरोबर न्हू. तेजेर एक्शन आमचो सरकार आसा तें पळोवंक जाय. लोकांक तर नाका जाल्यार तें करूं जायना. ही डेमोक्रेसी राज बाय द पिपल फॉर द पिपल ऑफ द पिपल हें कित्याक म्हणलां, कित्याक लागून हें, त्या खातीर सरकारान हेजेर मातशी दोळ दवरचो आनी तेंचेर स्टर्न एक्शन घेवचें. इतली म्हजी मागणी. बस इन माइनिंग वालों को कोई धर्म नहीं है, कोई किसी भगवान का लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है. बस उनका मतलब है और उनका भगवान और धर्म है सिर्फ पैसा, पैसा कमाना. पैसा कमा दे रही है.